हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मन की बात। हम हाजिर एक और वीडियो में। अब आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द मैग्नम ओपस आदि पुरुष के बारे में। एंड यस, आई नो द मोस्ट मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन कि क्या आदि पुरुष का फर्स्ट लुक रामनवमी के दिन आने वाला है या नहीं। अब कल दोपहर में शाम होते होते तक ये खबर उठता उठता आया था मेरे पास, उसके बाद से ही हम लग गए थे इसको पता करने में, कंफर्म करने में, ताकि कोई कंक्रीट इन्फॉर्मेशन मिले तभी हम आप लोगों के पास एक वीडियो लेके आए। अदरवाइज हवा में तीर चलाने का कोई मतलब नहीं बनता है। और ऑलरेडी हम लोगों के साथ एक चीज ये एक बार हो चुका है, ये सेम चीज प्रभास के पिछले बर्थडे पे, क्योंकि सबने बोल दी थी, ऑलमोस्ट बड़े से बड़े यूट्यूबर, मीडिया पोर्टल्स, वेबसाइट्स, एवरीवन वाज सेइंग कि आदि पुरुष का फर्स्ट लुक उसी दिन आने वाला है। हम लास्ट मोमेंट तक, हमको अच्छे से याद है कि हम बिलीव नहीं हो रहा था, हमको लास्ट मोमेंट तक भी हम नहीं बोलने वाले थे, लेकिन क्योंकि सब ने बोला और हम सोर्सेस से भी कंफर्म किए, वहां से भी यही आया कि हाँ आने वाला है, तो फिर भी हम डरते डरते आपको बताया था कि हाँ आ सकता है, थोड़ा सा चांसेस है, आप थोड़ा सा चांस कम ही रखना, लेकिन फिर भी आ सकता है, लेकिन कुछ आया नहीं और सिर्फ ये हम लोगों को देखने को मिला था उस पे। सो आदि पुरुष की जो टीम है उनसे थोड़ा सा डाउट रहता है कि इतना जल्दी करें, क्योंकि ऑब्वियसली आदि पुरुष इज पोस्टपोन्ड हो चुकी है। अगर वो नॉर्मल अगस्त में आ रहे रहते तो फिर कोई भी डाउट नहीं रहता कि डेफिनेटली 10 तारीख को रामनवमी के दिन आदि पुरुष का फर्स्ट लुक आ जाता, लेकिन अब क्योंकि पोस्टपोन्ड हो गई थी तो डाउट था मेरे अंदर, क्योंकि दिवाली आएगी, दशहरा आएगा, उसके पहले तो हो सकता है वो भी ऑस्पिशियस ओकेजन है तो वहां पर भी फर्स्ट लुक कर सकते हैं, और इतना पहले, क्योंकि अभी तक आदि पुरुष के मेकर्स ने लिटरली कुछ भी नहीं निकाला है, तो क्या वो निकालेंगे नहीं निकालेंगे वो सब डाउट था, लेकिन हम जब सोर्सेस से कंफर्म किए तो जो हमको न्यूज मिला दैट, उसके बाद आई वाज जस्ट लाइक वाओ, अगर ये हो गया तो मतलब एक समा बन जाएगा, एक माहौल बन जाएगा। यस, सोर्सेस से यही पता चल रहा है कि आदि पुरुष फर्स्ट लुक इज लोडिंग ऑन द 10th ऑफ अप्रैल ऑन द ओकेजन ऑफ श्री रामनवमी, और होल्ड योर ब्रेथ, क्योंकि अगर ये हो जाता है then the king will be back to take his crown back and it will be at another level का extravaganza हो जाएगा उस दिन। और सुनने में आ रहा है कि कुछ एक motion teaser type का, motion poster type का एक first look reveal होगा एक video format में, और अगर ऐसा होता है, क्योंकि everyone is waiting with bated breaths किस तरह का look होने वाला है, क्योंकि प्रभु श्री राम का first look होगा as राघव प्रभास का, तो वो किस तरह से डिजाइन किया गया है, किस तरह से डिजाइन किया, किस तरह से प्रेजेंट करेंगे ओम रावत उसको, क्योंकि इट विल सेट द टोन। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन जो आएगा इसका वो एक तरह से सेट कर देगा टोन कि आगे कितना ज्यादा हम लोग एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं, और एक दुनिया भी हम लोग को उसका शायद देखने को मिल जाए। बहुत ज्यादा होप्स नहीं रखना, हम फिर से बोल रहे हैं, कितना परसेंट अगर आप पूछोगे तो हम बोलेंगे 80 से 85% आप मान के चलो कि चांसेस हैं, क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका है इसीलिए हम 15% काट रहे हैं, अदरवाइज जो सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो पुख्ता ही मिल रहा है, बट फिर भी हम अपने हिसाब से 10-15% आपसे बोल रहे हैं कि थोड़ा सा टोन डाउन कर लेना। देखो वैसे भी पिछले बार क्या हुआ था कि वो प्रभास का बर्थडे था, लेकिन इस बार स्वयं श्री राम का बर्थडे है, तो उस दिन से अच्छा दिन नहीं होगा उनको फर्स्ट लुक ऑफ प्रभास एज राघव राम, श्री राघव राम उनका जो रिवील है वो करने का फर्स्ट लुक। सो इट इज ऑल पॉसिबिलिटी कि उस दिन जो है हम लोग को फर्स्ट लुक ऑफ आदि पुरुष फाइनली आफ्टर द लॉन्ग अवेट हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो आप कितने एक्साइटेड हो आदि पुरुष के फर्स्ट लुक को लेके, स्टिल वेटिंग फॉर द ऑफिशियल कंफर्मेशन, जब ऑफिशियल अपडेट आ जाएगा। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि उगादी के आसपास हम लोग को अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है, बट इस पर अभी हम कोई वो नहीं, कंफर्मेशन नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हाँ 10th of April वाला काफी तगड़ा निकल के आ रहा है। बस तो हम बस यही हमको बताना था कि थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन बना लो, लेकिन थोड़ा सा कम, थोड़ा सा लिमिटेड में रह के चलना है, क्योंकि अक्टूबर वाला कहानी फिर से भी नहीं हो जाए, इसलिए थोड़ा सा लिमिट में रहना है। अदरवाइज जब ये आएगा, आई मीन इट विल बी द बिगेस्ट फिल्म ऑफ 2023, बताने का जरूरत नहीं है। अगर वो लोग सही टारगेट हिट कर दिए, अगर वो लोग किसी भी कुछ से छेड़छाड़ नहीं हुआ होगा, अगर सही से ऑडियंस के साथ बैठ गया ये फिल्म, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि किस तरह का रिकॉर्ड्स तोड़ने का इसमें कैपेबिलिटीज है, अलोंग विद द स्क्रीन्स जिस तरह से प्रेजेंट होने वाला है रामायण, मतलब इट इज द, मतलब एपिक है ये, एपिक होने वाली है ये फिल्म, और फिंगर्स क्रॉस्ड कि सब कुछ अच्छे से हो, और देखते हैं बाकी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन का, ऑफिशियल कंफर्मेशन जो अनाउंसमेंट होता है उसका तो इंतजार रहेगा, क्योंकि ऑफिशियल का मजा ऑफिशियल में ही देता है। तो आपका क्या थॉट्स है इन सबके बारे में कमेंट सेक्शन पर जाना चाहिए। वीडियो पसंद आया लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना है, बेल आइकन दबा देना ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी अपडेट आए तो आपसे मिस नहीं हो। और कुछ और बात करनी तो इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां भी मैसेज कर सकते हो। चलिए मिलेंगे बहुत जल्दी एक और वीडियो में एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।